लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 10 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। एक दिन पहले आए राहुल कस्वा को चूरू से टिकट दिया गया है। इसी तरह पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बेटे वैभव गहलोत को जालोहर और सिरोही से उम्मीदवार बनाया गया है। पिछली बार वैभव ने जोधपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। चलिए अब जानते हैं कि कांग्रेस ने राजस्थान की 10 सीटों में से किन्हें मैदान में उतारा है। बीकानेर से गोविंद राम मेघवाल, चूरू से राहुल कस्वा, झुंझुनू से बिजेंद्र ओला, अलवर से ललित यादव, भरतपुर से संजना जाटव, टोंक सवाई माधोपुर से हरीश चंद्र मीना, जोधपुर से करण सिंह उचियाडा, जलोहर से वैभव गहलोत, उदयपुर से ताराचंद मीना, चित्तौड़गढ़ से उदयलाल अंजना। कांग्रेस ने सभी 10 सीटों पर नए उम्मीदवार उतारे हैं। पिछली बार के किसी उम्मीदवार को सेम सीट पर टिकट नहीं दिया है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत पिछला चुनाव जोधपुर से लड़े थे। इसी तरह बीकानेर सीट से पिछले उम्मीदवार मदन गोपाल मेघवाल का टिकट काट कर गोविंद मेघवाल को दिया है। चूरू से पिछले उम्मीदवार रफिक मंडेलिया, झुंझुनू से श्रवण कुमार, भरतपुर से अभिजीत जाटव और टोंक से नमो नारायण मीना के टिकट काट दिए हैं। उदयलाल अंजना को पिछले बार जलोहर और सिरोही से टिकट दिया था। इस बार उन्हें चित्तौड़गढ़ से टिकट दिया गया है। कांग्रेस के 10 सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा के साथ ही प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार आमने सामने हो गए हैं।